गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं रुद्रांश के स्कूल, उसकी ड्रेस कलेक्ट करने के लिए। उसकी ड्रेस मिलने वाली है आज स्कूल में और फिर उसका मंडे से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। सो जाते हैं, सबसे पहले वहां से स्कूल से ड्रेस कलेक्ट करके आते हैं एंड उसका हेयर कट भी करवाना है। सो कुछ काम है वो सारे आज निपटा के आएंगे। देखो मुझे चोट लग गई, बहुत सारी चोट लग गई, ये बहुत सारी चोट लग गई मार कर की है? नहीं देखा इसका ड्रामा, कितना ड्रामा करता है। नहीं बहुत चोट लग गई। अच्छा चोट में मारता कौन है? इसके तो ड्रामे चल रहे हैं। फिर ड्रेस लेके आते स्कूल से, चले टाइम अभी हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और टाइम था ड्रेस लेने का 9 बजे से 12 बजे के बीच में ही जाना था। ये हाथ पे क्या लगाया इसने? लाल लाल ये चोट लग गई है मेरे, इसको एक्टिंग करके दिखा रहा है, मार्कर से लगा दिया इसने, देखना है इसके ड्रामा। हेलो गाइस मैं हूं रुद्रांश की ड्रेस लेके आते हैं। पहले नापेंगे वो फिर देंगे हमको। आपको ज्यादा पता है, हम लोग पहुंच गए स्कूल। रुद्रांश को मिल गई है फाइनली ड्रेस। देखो कैसे पकड़े हुए हैं, दो ड्रेस मिली हुई हैं। तो ड्रेस तो मिल गई है हमको एंड अभी उसके लिए हम लोग जा रहे हैं शूज लेने के लिए। इसको हम लोग तीन ड्रेस हो जाएंगे, दो ड्रेस है मतलब, हमने एक्स्ट्रा ले ली कि बच्चा है गंदा गंदा कर ली तो वो रखी है। पीछे इसकी ड्रेस कहाँ गई, ये रखी हुई है। अब मंडे को रुद्रांश स्कूल आएगा फुल यूनिफॉर्म के साथ है। ये बात क्यों नहीं करता मैडम, आपकी पूछ रही थी प्रिंसिपल मैडम, बात करनी चाहिए ना। हाँ मैडम, हैव यू डन योर होमवर्क? सो आप क्या बोल रहे हो? ऐसे कौन बोलता है? यस मैम बोलना चाहिए ना। यस मैम बोलना चाहिए, यस मैम नो मैम। स्कूल में आप शर्माने के लिए आते हो? नहीं, स्कूल में तो आंसर ही नहीं देता होगा ये, ऐसा लग रहा है। नहीं देते ना आप आंसर? देता हूं। तो मैडम आपकी क्लास टीचर भी पूछ रही थी कि मैडम पहचाना मुझे? नहीं मैम को नहीं पहचाना था आपने? पता ही नहीं, उनने नाम ही नहीं बताया था मुझे। मैम को सब पता है कि ये रुद्रांश है। देखे ये इस टाइप में क्या चाहिए थे पता है, बट ब्लैक में चाहिए। आए तो हम सूज लेने बट यहाँ दिख तो है नहीं रहे जिस टाइप के स्कूल में चाहिए हैं। काला की शॉपिंग चलता है, गायब भी हो जाता है शॉपिंग करते करते। स्लीपर निकाल लूं? आपके बाल अब कट जाएंगे। क्या हुआ बेटू? इन दोनों का हो गया हेयर कट, ये देखो। अब जाते हैं हम जूते लेने क्योंकि हम लोग विशाल गए थे वहां तो मिले नहीं। अब जा रहे हैं हम लोग दूसरी शॉप पे तो वहां देखते हैं मिलते हैं या नहीं, है ना। भटक रहे हैं हम जूतों के लिए क्योंकि फिर मंडे से इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो इसका स्कूल पहन जाना जरूरी है। ये इस टाइप का शूज लेना था रुद्रांश के लिए। कम्फर्टेबल फील हो रहा सही है? अच्छा है, गर्मी नहीं हो गया ना, शूज ले लिए। चलो अभी हम लोग आ गए हैं सारा काम खत्म करके। मैंने ना शावर ले लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना बाहर, और बाहर से आके फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया एंड फाइनली नहा के ना एकदम अच्छा सा लग रहा है क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना तो पूरे पसीने से भीग गए थे ना, तो ऐसा लग रहा था पहले नहा लिया था उसके बाद कुछ करेंगे। तो अभी मुझे करना है लंच रेडी, पनीर लेके आए हैं। सबसे पहले सोच रही हूँ पनीर ही बना लेती हूँ क्योंकि वो जल्दी बन भी जाएगा, और मैं थोड़ी सी तैयारी नहाने से पहले करके गई थी क्योंकि सब्जियाँ लेके आए हुए थे बाहर से तो वो वॉश की एंड थोड़ी सी तैयारियाँ मैं करके गई थी। सो ये है पनीर जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया एंड इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, हल्दी मिर्ची थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद डालेंगे हम नींबू का रस, ये एक नींबू है, एक पूरा नींबू का रस इसमें डाल दूंगी मैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे
इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के प्याज टमाटर लहसुन अदरक को हल्का सा मैंने सेक लिया है। सो अभी ये एकदम ठंडा हो गया है, अभी मैं इसको मिक्सी के जार में डाल लिया है और अभी मैं पीसूंगी, इसका पेस्ट बनाऊंगी। एंड यहाँ पे जो मैंने पनीर मैरिनेट करके रखा हुआ था, पनीर को जब भी बनाओ ना तो थोड़ा सा मैरिनेट करके एंड उसमें मसाले डाल के एंड उसको 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना एंड उसके बाद फिर आप पनीर बनाना, तो काफ़ी टेस्टी सब्जी बनने वाली है। तो चलिए पहले बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल सकते घी डाल सकते, बट मैंने अभी इसमें घी डाल दिया है और मैं इस पनीर को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। पनीर को मैंने निकाल लिया, ये फ्राई हो गया था एकदम हल्का सा, ये पकाया ज़्यादा नहीं पकाया है। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया, उसके बाद एक सूखी मिर्च डाल दी है और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एंड उसके बाद जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी वो ऐड कर दी है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये मसाला हमारा रेडी हो गया है, पक रहा है। उसके बाद हम पनीर ऐड करेंगे, इसमें थोड़े थोड़े मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। ये है मेरे हाथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको भी मैं इसमें डालूंगी, इससे ना पनीर में बहुत अच्छा सा ना टेस्ट आ जाता है। एंड उसके बाद अभी मैं पनीर ऐड कर दूंगी। फाइनली हमारी सब्जी हो गई है बनके एकदम रेडी। सो गाइस, लंच हमारा हो गया है और अभी बर्तन वगैरह मेरा सारे किचन में पड़े हुए हैं, मैंने कुछ साफ नहीं किया है। सच आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ और मुझे इस वीडियो का यहीं पे एंड भी करना है क्योंकि मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूँगी। एंड अभी आज थोड़ा सा मौसम वैसा हो रहा है, मतलब अभी बहुत तेज़ धूप थी, अभी थोड़ा सा बादल छाने लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसका जो ड्रेस आया है न्यू वाला उसको वॉश कर देती हूँ क्योंकि वो पहन के जाएगा और फिर मौसम ऐसा हो रहा है ना तो फिर सूखने का भी वो रहता है ना, तो सोच रही हूँ उसको वॉश कर देती हूँ, उसको निकालूंगी वॉश करूँगी एंड उसका फ्रेश करके भी फिर मुझे रखना है। उसका जो पेंडिंग होमवर्क पड़ा हुआ है वो भी देखूंगी एंड ऑलमोस्ट उसका हो गया है, सारा हो गया, बट मुझे चेक करके उसके बैग में भी लगाना है क्योंकि वो भी इतना तो समझता नहीं है क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो वो सारा ही रख ले जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उसकी देखनी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।